हो गया कॉल यस रिकॉर्ड। सर, यस सर, यस सर, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। देखो अभी तक मैंने जो आपको आदिमानव और न्यूटन की कहानी सुनाई थी यस सर, उसमें ये सब कवर हो गया। अब इसने पूछा है कि फिजिक्स और सोसाइटी के लिए हमारे मतलब हम डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स कैसे होती है। देखो नीड फॉर टेक्नोलॉजी, जैसे नीड वाली बात प्रॉब्लम में ही आ जाती है। आदिमानव को क्या थी? प्रॉब्लम थी, राइट? यस यस सर, तो उससे एक टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ ना, एक नई चीज आई हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, बुल काट आया, और क्या आया, सभी और हॉर्स काट काट, यानी बैलगाड़ी और घोड़ा और गाड़ी बनी ना आदिमानव वाली कहानी से लास्ट, यस सर, यस यस सर, सर, है ना। और न्यूटन की कहानी से तो पता नहीं क्या क्या कुछ बन गया। ग्रेविटेशन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बहुत जगह है ऐसी, राइट? यस यस सर, यस। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब हमें पता लगा, उसको हमने कहाँ कहाँ यूज नहीं किया। हमारे घर पर वाईफाई है, वो उसी चीजों से चलता होगा। यस सर, यस हमारी सर, लाइट जो है वो इसी चीजों से चलती होगी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना क्या लाइट चल रही है हमारी? नो सर, नहीं। तो हमने नो सर, चीजों को जैसे नो जैसे हमें जरूरत पड़ी वैसे वैसे हमने फिजिक्स की डेवलपमेंट भी हुई। फॉर एग्जाम्पल अब हम मैंने बोला अब क्या हम बैलगाड़ी ढूंढेंगे किसी कहीं? नो सर, अब नो हमारा सर, एम क्या है? चांद पर जाना था हमारा एम, अब क्या है, मंगल ग्रह पर जाना है ना, यस सर, यस मार्स सर, पर यस जाना। तो सर, हमें ऐसी ऐसी चीजें चाहिए जो हमें कहाँ ले जाए, दूसरे मास, दूसरे प्लैनेट्स पर ले जाएं। तो जैसे यस जैसे सर, अब हमारी नीड क्या हो गई, बढ़ गई। यस सर, यस अब हमारी सर, नीड है ना नई टेक्नोलॉजी की, यस सर, तो हमारी अब फिजिक्स की डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी? होगी, यस सर, जरूर होगी। हो रही है। पहले हमें हमारी प्रॉब्लम क्या थी? पहले हमारी प्रॉब्लम थी कि हम एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकते थे, तो बैलगाड़ी आई। फिर हमारी प्रॉब्लम हुई कि हमें जल्दी जल्दी कवर करना है डिस्टेंस, तो क्या हुआ, बस आई, कार आई। फिर हमने कहा कि और भी जल्दी करना है, समुद्र पार जाना है, तो फिर क्या आए, एरोप्लेन, हेलो, एरोप्लेन जाए। अब हमारी जैसे 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 हमारी प्रॉब्लम बढ़ी, हमारी नीड बढ़ी, डेवलपमेंट हुई या नहीं हुई फिजिक्स की, नई नई चीजें आई या नहीं आई, सर आई। अब हमें बनेंगे प्लैनेट्स पे जाना है, तो अब यान बनेंगे या नहीं बनेंगे? नए तो बन भी रहे हैं, मंगल ग्रह पर यान जाते हैं ना, हमने सैटेलाइट्स भी देखे हैं, बहुत सारे हैं, सर, है ना, अलग बात है दोनों, यान और सैटेलाइट्स। तो यही चीजें थी। अब बात करते हैं मेन जो टॉपिक है हमारा, जिसपे से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, जिसको बोलते हैं क्या नाम है इसका, फंडामेंटल 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 फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस। सबको मैं दिख रहा हूँ, यस सर, यस तो हम सर, बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस। कोई कल हमने नहीं पढ़ा था ना ये, यस सर, नो तो सर, बताइए मुझे फंडामेंटल फोर्सेस। हर्ष और अजय आप लोग इसको समझ सकते हैं, इसका पीछे से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स, सो हाँ फोर बोलो, क्या टाइप्स बोल रहे की हो? फोर्सेस होती है, फंडामेंटल फोर्स, हाँ, वो मैकेनिज्म बात ऑफ सही है अभी। ग्रेविटी, लेकिन हम ये नहीं पूछ रहे कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ना हमें ज्यादा क्वेश्चन पे ही आएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन को समझना सीखिए। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फंडामेंटल फोर्सेस फंडामेंटल क्या होती है, क्या होती है, और आप लोगों ने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने बता दिया फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी होती है। मैंने पूछा फंडामेंटल फोर्सेस होती क्या है, समझ में आया क्वेश्चन में फर्क, समझ में यस आया? यस आपने यस सब सर, बता, मैंने पूछा आप लोगों से, हाँ बताइए बताइए आप क्या सब बोल रहे बेसिक फोर्स इन हैं, नेचर होती है ये। बेसिक वेरी गुड, बेसिक फोर्स। और भी कोई कुछ बोलना चाहता है, बोलिए बोलिए बोलिए। ये सर, ग्रेविटेशन फोर्स होती है, इलेक्ट्रो वीक मैग्नेटिज्म भी होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होती है, और वीक फोर्स में भी न्यूक्लियस होती फोर्स भी है। होती ये फिर है, वही टाइप हो गई फंडामेंटल फोर्सेस के, है ना। फंडामेंटल फोर्सेस में क्या क्या चीज आती है, लेकिन हम पूछ रहे हैं होती क्या है। जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला बेसिक फोर्स होती है, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। और सोचिए इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अट्रैक्टिव हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोले अभी, भी नेचर, अट्रैक्टिव नेचर, ये भी ठीक है, सर ये खुद सारी होती है होती है नेचर ये तो के कुछ भी कारण, देखते हैं। खुद लेकिन हाँ नहीं आपका जो आंसर है ना, अगर मैं उसको कंडीशंस पे जाके देखूँ सारी फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर, तो आपका आंसर एक जगह जाके गलत हो जाता है। अभी ये किसने बोला ये बात, सर, इंडिपेंडेंट भी होती है, अब ये भी ठीक है, अब विकास आपकी बात, लेकिन अभी किसने बोली थी ये बात अट्रैक्टिव और वाली, अक्षय ने, यस सर, अक्षय ने, यस सर, हाँ। तो अभी देखना अक्षय, आपकी बात को मैं कह रहा हूं कि कहां पर आपने एक जगह गलती करी है, अभी आप देखोगे कहां पर, ठीक है।
देखना, बहुत मजा आएगा देखने में आपको, ठीक है। आपने बोला कि सारी अट्रैक्टिव होती हैं, और किसी ने बोला बेसिक होती है, किसी ने बोला इंडिपेंडेंट होती है, ये भी ठीक बात है, इंडिपेंडेंट होती है, हम ये भी बात करेंगे। किसी ने बोला अट्रैक्टिव होती है, इसको हम साइड में लिखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बोली है उन्होंने, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं आपका, अभी देखो ये समझोगे, मैं यहाँ पर टाइम लूंगा और आगे की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आपने केमिस्ट्री में भी, ओ सॉरी, डायमेंशन में भी पढ़ा है, दो चीजें, दो क्वांटिटीज होती है हमारे पास, एक तो डिराइव फील्ड, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। आज ये समझ लेंगे ना, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। हम वहां पे सेकंडों में गुजरेंगे फिर उस चैप्टर से हम, ठीक है। अच्छा अब आए फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल होता क्या अभी देखते हैं। अच्छा मैं जो पढ़ रहा हूँ ना उसको फटाफट आप रिपीट करिएगा, उसके बाद क्या आएगा बोलो। वन टू थ्री आगे, फोर फोर आगे, फाइव फाइव आगे, सबको पता है, सबको पता है ना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थ्री के बाद फोर क्यों आया, सीक्वेंस के बाद फाइव क्यों नहीं आ जाता भाई, कहाँ पढ़ रहे हो तुम, नर्सरी में गलत पढ़ रहे हो, मैं तो पढ़ के आया था वन टू थ्री फाइव, सब वन वन प्लस। चलो ठीक है, क्या बोले वन, कुछ ने बोला वन प्लस वन होता है, हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ वन प्लस वन टू क्यों होता है, थ्री क्यों नहीं होता, बताओ। कौन सा कलर यूज करे, कोई भी कर लेते हैं ना, रेड कर लेते, ठीक है, ठीक है। ये क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता, सब वन प्लस वन टू ही होता है, थ्री कैसे होगा, क्यों होता है, क्यों सर, यही बनाया था पहले, यही बनाया है ना, किसी किसी ने पूछा भी नहीं हमसे, किसी ने पूछा है कभी क्वेश्चन टीचर से, कोई सारे चला गया, जो उनको नहीं पता वो पूछते ही नहीं, किसी ने बोला है फोर के बाद फाइव नहीं आता, फोर के बाद फाइव क्यों आता है, किसी ने पूछा, किसी नहीं पूछा ना, किसी ने ये बोला कि टू इंटू थ्री सिक्स क्यों होता है, इसका आंसर कई बच्चे दे भी देंगे देखो कैसे, लेकिन फिर फंसेंगे, टू इंटू थ्री सिक्स इसलिए होता है सर क्योंकि टू टाइम्स थ्री यानी एक बार टू, दूसरी बार टू, तीसरी बार टू, तो मैंने ऐड किया टू प्लस टू फिर टू, कितना आ गया सिक्स। अब मैं पूछता हूँ कि फिर इसको ऐड करके फोर ही क्यों आ रहा है, टू प्लस टू फोर, फिर इसको ऐड करके सिक्स ही क्यों आता है, यहाँ पे कोई जवाब दे पाएगा फिर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इनको करके ऐसा ही क्यों आता है, फाइव डिवाइड बाई डिवाइड फाइव वन ही क्यों होता है, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्स क्यों होता है, टू माइनस टू जीरो क्यों होता है, टू माइनस टू वन क्यों नहीं होता, है ना। तो ये सब हमने पहले से ही पढ़ा, किसी ने भी नहीं पढ़ा ना कि वन के बाद फोर आता, किसी ने पढ़ा, रीजन भी नहीं पता, और हम पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हमने पहले से ही ऑब्जर्व करी है, जब हम बचपन में थे हमने ऐसी, हमें ऐसी ही ऑब्जर्व करवाई गई है ना ये चीजें, है ना, हमको ये पता कि ये चीज होती ही है, ये चीज होती ही है कन्फर्म, किसी ने डाउट भी नहीं किया इस पे। अच्छा मैं अभी बोलूं कि हमारे बीच में है अंशुल, अंशुल आप नहीं है, हाँ और रा बोलिया करिए, हमने पिछले भी बात किया है, आप कुछ ना बोलिए, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, अंशुल आप यही है, यस सर, हाँ अंशुल, अब मैं बोल रहा हूँ अंशुल कह रहे हैं, अंशुल दुकान पर गए, एक क्या लेने गए, मान लो मैगी का पैकेट लेने गए 10 रुपए वाला, अंशुल ने वहां पर 4 मैगी के पैकेट खरीद लिया, अंशुल कितने रुपए दिए होंगे आपने, 40 रुपीज। मैं पूछू क्यों 40 क्यों दिए, अब बताए इसका रीजन पता होगा आपको, क्योंकि एक पैकेट 10 रुपए का है, वेरी गुड, एक पैकेट 10 रुपए का,
और चार पैकेट कितने के होंगे? 40 चालीस। तो आपको कैसे पता, क्योंकि आपने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई बाय में 10 40। वेरी गुड अंशुल, इस चीज को याद रखिएगा सारे। अंशुल कहाँ गया था? मैगी लेने। अंशुल ने चार पैकेट लिए और कितने रुपए दिए सारे बोले? 40। अब हम दूसरा बच्चा पकड़ते हैं, अश्विन। अश्विन आप यही है? यस सर। अश्विन आपने अंशुल वाली मैगी ले ली, कितने पैकेट लिए थे अंशुल ने? अश्विन अंशुल ने कितने पैकेट लिए थे? सर मैं लेफ्ट हो गया था। कोई बात नहीं, आप सुनिएगा अभी, है ना। अंशुल चार पैकेट मैगी लेने गया था, एक पैकेट का रुपीस थे 10, तो अंशुल को कितने रुपए भरने पड़े? अश्विन सर 30। नहीं नहीं अंशुल चार पैकेट लेने गया था और एक पैकेट का रुपीस था 10, तो अंशुल कितने पैसे भर के आया होगा? अश्विन सर 40 है ना, 4 × 10 = 40। ठीक है, थैंक यू अश्विन। अच्छा अब अश्विन थैंक यू, अपना नेट एक बार ध्यान से देखिए, दोबारा लेफ्ट ना हो जाना, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं बहुत। आर्यन आप यही हैं? यस सर। हाँ आर्यन, कितने पैकेट लिए अंशुल ने? सब 4। ठीक है आर्यन, आपने अंशुल ने वो पैकेट छीन लिए, अंशुल बेचारा मैगी बनाने जा रहा था, आपने छीन लिए। आपके चार दोस्त थे, आपने वो सारी पैकेट उन चारों में बांट दिए, तो हर एक दोस्त को कितने रुपए मिले, कितने पैकेट मिले होंगे? सब 1। कैसे बता सकते हो 1? सब पैकेट चार थे तो लोग भी चार ही थे। तो आपने क्या, कौन सी चीज को यूज किया इसमें? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, किसका यूज किया? डिवाइड। डिवीजन। डिवाइड आपने बोला, क्योंकि सर 4 डिवाइड बाय 4 क्या होता है? इसलिए मैंने हर एक बच्चे दोस्त को कितना पैकेट दिया? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे ये तो नहीं पता कि 4 × 10 = 40 क्यों होता है, क्या किसी को ये पता? नहीं पता ना सर। किसी को ये भी नहीं पता कि 4 / 4 = 1 क्यों होता है? किसी को ये पता है? बात मेरे को नहीं पता कि 4 × 10 यानी 4 × 10 = 40 क्यों होता है। मेरे को ये भी नहीं पता 4 / 4 = 1 क्यों होता है, लेकिन मैं को ये पता है कि अगर, लेकिन इस चीज को समझने के बाद कि 4 × 10 = 40 होता है, इस चीज को समझने के बाद अगर मेरे को कोई और चीज करनी हो, सपोज अभी वो मैगी लेने गया था, तो वो कैलकुलेशन इजी कर सकता है या नहीं कर सकता अपनी, कि मेरे को कितनी मैगी के पैकेट लाने पड़ेंगे, मेरे को क्या लाना पड़ेगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्या इसमें कभी किसी को दिक्कत हुई है? नो सर। हमने क्या यूज किया कि मैंने 4 पैकेट मैगी के लेके आया हूँ, तो मैंने 40 रुपए इसीलिए लिए, क्योंकि 4 × 10 क्या होता है? 40। ऐसे ही आर्यन ने बोला, मैंने एक हर दोस्त को एक मैगी का पैकेट इसलिए दिया क्योंकि 4 / 4 क्या होता है? 40। फंडामेंटल ये चीजों का तुमको आंसर क्यों नहीं पता, क्योंकि ये चीजें कैसी है? फंडामेंटल ये है, ऐसी ही है, ये कैसी है, ऐसी ही है, लेकिन हाँ इनको यूज करके मैं अपनी जिंदगी में बाकी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे अब मैं मैगी लेने गया, तो मैंने ये यूज करा इस चीज को कि 4 × 10 क्या होता है? 40। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि 4 × 10 = 40 क्यों होता है, लेकिन हाँ 4 × 10 = 40 होता है, इसलिए मैं मैगी आसानी से लेकर आ सकता। मेरे को ये नहीं पता कि 4 / 4 = 1 क्यों होता है, लेकिन हाँ इसको यूज करके मैं क्या लेके आ सकता हूँ, अपनी मैगी बांट सकता हूँ आराम से। तो मैं फंडामेंटल चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हाँ ये ऐसी की ऐसी ही होती है नेचर में, बट इनको यूज करके मैं बाकी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो फंडामेंटल फोर्सेस क्या होंगी? वो फोर्सेस जो नेचर में एज इट इज है, इनको मैं देख सकता हूँ कि इनका नेचर ऐसे ही है, लेकिन इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत तो कर सकता हूँ, इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इन फंडामेंटल फोर्सेस को यूज करके मैं बाकी सारी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकता
फंडामेंटल वो चीज जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता अभी क्वेश्चन में, लेकिन ये नहीं लिख के आओगे क्योंकि हम एक्सप्लेन करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल फोर्सेस वो जो नेचर में एज इट इज रहती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एज इट इज है, फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में एज इट इज रहती है, इनको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इनके नेचर को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कभी किसी टीचर ने आपसे ये पूछा है कि एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अर्थ की, अर्थ जो चीज है वो अपने आप अपनी तरफ खींच रही है चीजों को, राइट और रॉन्ग? तुम आंसर क्या देते हो, क्योंकि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, सारे बोलिए अर्थ अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट, लेकिन कभी किसी टीचर ने तुमसे आके ये पूछा है कि अर्थ हर चीज को ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्ट तो करती है, ग्रेविटेशन की वजह से रिपेल क्यों नहीं करती, कभी किसी टीचर ने पूछा? अट्रैक्टिव फोर्स है, कभी किसी ने ये कहा कि ये रिपल्सिव फोर्स क्यों नहीं है? लॉजिक बताओ। फंडामेंटल फोर्सेस है, अब तो पता है हमें, लेकिन किसी ने ऐसे बोला, पूछा आपसे पहले? हम तो हाँ ये बोल सकते हो कि भाई मैंने देखा है एप्पल नीचे ही गिरता है, पेन नीचे ही गिरता है, कॉपी नीचे ही गिरती है, क्योंकि मैंने देखा है एज इट इज है, ऐसे ही है भाई, है ना। कभी किसी ने ऐसे बोला कि भाई पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में ले आऊं तो क्या हो जाता है इनका? बोला कि रिपल्शन क्यों होता है, अट्रैक्शन क्यों नहीं होता? सेम चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, सॉरी सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? आपने समझा दिया, लेकिन किसी ने भी पूछा कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्यों होते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल क्यों कर रहे हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? किसी ने नहीं पूछा होगा आज तक, किसी ने पूछा हो तो बताओ, क्योंकि ये कैसी हैं फंडामेंटल चीजें, ये है तो है, ये तो ऑब्जर्व किया हमने, क्लोथ को रब देखा किसी ने, हाँ तो ऐसा कुछ चार्ज इंसुलेट हो रहा है, देखा रिपल्शन हो रही है, हाँ समझ में आ रहा है, फंडामेंटल जो एज इज है भाई है, लेकिन इनको यूज करके हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ में आ रही है सबको? मुझे एक मिनट दीजिए, मेरी ना ये जो वायर होती है ना वो निकल गया, आप इतने इसको रिवाइज करिए एक सेकंड बस, ठीक है, फटाफट आ रहा हूँ। ओके सर। बाकी सब हैंड रेस कर रहे हैं अपना, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। फंडामेंटल फोर्सेस सबको समझ में आया? यस यस सर। तो मुझे बताइए कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होंगी जो नेचर में एज इट इज एग्जिस्ट करेंगी, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और हम इसको जो सबसे आसान डेफिनेशन है वो क्या है? सबसे आसान डेफिनेशन क्या होता है कि फंडामेंटल फोर्सेस जो बेसिक फोर्सेस है, इसी समझ में आया इसको बेसिक क्यों बोलते हैं, ये हैं ऐसी, यस सर, ठीक है, सिंपलेस्ट फोर्सेस जो बेसिक फोर्सेस है, लेकिन इनकी मदद से हम बाकी सारी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब तो मैं एक डेफिनेशन बोलने वाला हूँ, प्रॉपर इंग्लिश में बोलूंगा, ध्यान से सुनना, ऐसे ही बनी है, फंडामेंटल फोर्सेज आर द बेसिक फोर्सेज, फंडामेंटल फोर्सेज आर द बेसिक फोर्सेज विद द हेल्प ऑफ विच, चलिए लिख लो इसको, विद द हेल्प ऑफ विच
वी कैन एक्सप्लेन ऑल अदर फोर्सेस दोबारा सुन लो फंडामेंटल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस आर द बेसिक फोर्सेस ऐसे लिखो फंडामेंटल फोर्सेस आर द बेसिक फोर्सेस विथ द हेल्प ऑफ विच विथ द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सप्लेन ऑल अदर फोर्सेस वी कैन एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ फोर्स हाँ विथ द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सप्लेन ऑल अदर फोर्सेस मतलब फंडामेंटल फोर्स वो फोर्स है वो बेसिक फोर्स है जिसकी मदद से हम बाकी सारी फोर्सेस को एक्सप्लेन जिन बाकी सारी फोर्सेस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे फंडामेंटल फोर्सेस तो वो फोर्स है जिसकी हेल्प से हम बाकी को एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन वो बाकी फोर्सेस को क्या बोलेंगे derived force derived force derived force क्या बोलते हैं derived force आ रहा है ऐसे ही physical quantity और derived quantity भी होती है physical quantity वो quantity जो ऐसी exist कर रही है mass length time पढ़ा होगा सबने yes sir और भी होती है अभी basic बात कर रहा हूँ मैं और भी होती है ना intensity भी होती है अभी हम तीन की बात कर रहे हैं तो हाँ इनको मैं explain नहीं कर सकता लेकिन इनकी हेल्प से मैं बाकी सारी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ और उन क्वांटिटीज को बोलता हूँ जैसे वेलोसिटी वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है इसको तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसकी डायमेंशन LT-1 होती है सबने पढ़ा है yes, क्यों होती है क्योंकि इसके अंदर दो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है लेंथ एंड टाइम और दोनों डिविजन में है इसलिए LT-1 लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि लेंथ को एल ही क्यों लिखते हैं हम वेलोसिटी का तो मैंने रीजन दे दिया कि वेलोसिटी को LT-1 क्यों लिखते हैं लेकिन किसी ने ये पूछा आज तक कि लेंथ को एल क्यों लिखते हैं लेंथ को हम मीटर में ही क्यों लाते हैं मीटर में तो चलो कोई बात नहीं वो तो यूनिट्स हो गई हमने ऐसे पूछा किसी को कि लेंथ को एल ही क्यों लिख रहे हो टाइम को टी ही क्यों लिख रहे हो क्योंकि कुछ तो हमें बताना ही पड़ेगा ना है ना वो बेसिक चीज जहां से हम शुरुआत कर सके उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्या बोलते हैं फंडामेंटल समझ में आया सबको yes, yes, तो आगे चलते हैं yes, तो यहाँ तक क्लियर है राइट अच्छा जिसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ करें बच्चे प्लीज जिसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ करें हाँ तो अब देखो आपको चार फोर्सेस दिख रही होंगी कौन कौन सी फोर्स है बताएं ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पहली की बात करते हैं अभी इसको बोल रहे हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरी को भी बोला आपने एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स है एक मैग्नेटिक फोर्स है इसको मिला के मैंने बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हालांकि ऐसे नहीं मिल जाता इतनी आसानी से है ना ये 12th में पढ़ेंगे हम मैं तो बोल दिया क्योंकि पेन हमारे पास है पेपर हमारे पास है कुछ भी लिख दो इसको मैं कपिश फोर्स लिख दू है ना लेकिन ऐसे नहीं मिलते इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे 12th में इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या बोलते हैं नीचे वाली को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखो हम थोड़ा सा ना स्टडी थोड़ा सा स्लो इसलिए इस करते हैं इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि 5-7 मिनट जल्दी ज्वाइन कर लो ताकि हम एंड तक सही तक पहुंच जाएं जो बाकी लेक्चर्स बाकी सर करवा रहे हैं वो वहां तक हम पहुंच जाएं पीछे ना रह जाए हम ठीक है बस इसलिए कहता हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाए अगली को क्या बोलते हैं वीक न्यूक्लियर कोई दिक्कत बताओ जो आगे की ना हो जो पीछे की हो मतलब जो 11th में नहीं पढ़ रखी जो 10th में पढ़ी हुई है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या पढ़ा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट टू बॉडीज
और सर इसका जो मतलब मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है और ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है. अपोजिट इन डायरेक्शन होती है और अपोजिट इन डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? किसने बोला अपोजिट इन डायरेक्शन? हाँ बोली बोली कि मैंने बोला सर. क्या हो गया बताओ, बोलो किसने बोला अपोजिट इन डायरेक्शन? यस सर. हाँ तो बताइए अपोजिट इन डायरेक्शन का मतलब क्या है सर? ये मतलब जो इसकी डायरेक्शन होती है सर वो ऑपोजिट होती है. किससे अपोजिट? कैसे? किसी चीज से तो बताओगे कैसे. अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो अपोजिट कैसे बोल रहे हो कि मतलब ये यहाँ लगाएगा ये यहाँ लगाएगा फोर्स, ऐसे बोल रहे हो? यस सर. हाँ ये बिल्कुल सही है. तो बोलो हाँ मैंने बोला है, पूछो क्या पूछते हो. ठीक है तो एक इधर लगा रहा है एक इधर लगा रहा है, बिल्कुल ठीक है. अपोजिट है, एक लेफ्ट की राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ. यस सर. और सोचिए इसका नेचर sir. कैसा होता है? अभी किसी बच्चे ने बोला है अट्रैक्टिव होता है, बिल्कुल ठीक. और ठीक है तो अभी के लिए इतना ही काफी है. ये किसकी वजह से होती है ये फोर्स? रीजन क्या है इस फोर्स का? मतलब वो वाला रीजन नहीं, फंडामेंटल वाला नहीं रीजन, वैसे ये फोर्सेस को किस वजह से लगती है ये फोर्स? वेट, मास. वेट वेट नहीं बोलेंगे, मास बोलेंगे. इन दोनों में फर्क है, वेट और मास में. हम इसको पढ़ेंगे क्या फर्क है अभी बाद में, लेकिन अभी के लिए इसको क्या बोलेंगे? मास की वजह से जो फोर्स लगे उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स कोई दिक्कत इसमें? नो सर. नो सर. अब बताओ मुझे नेक्स्ट ग्रुप में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीटिंग में कोई हैंड रेज कर रहा है? ठीक है आप बताइए. मास हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस वजह से लगेगा लगता? सर अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस. ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया. और मैग्नेटिक बॉडी और मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट पोल द फोर्स बिटवीन टू पोल. हां बोलो बोलो, यही मैं सुनना चाहता हूँ क्योंकि हमने ये तो पढ़ा हुआ है पहले, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले. मैं तुमसे जो सुनना चाहता हूँ ना वो ये सुनना चाहता हूँ. क्या बोलोगे इसके बारे में? अपनी देसी भाषा में बोलो. मैं ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन ना अभी बताऊंगा ना तुमसे चाहता हूँ, तुम बताओ क्या सोचते हो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जो दो मैग्नेट के बीच में लगता है. दो मैग्नेट के, बिल्कुल सही आंसर है भाई. दो मैग्नेट आपस में अट्रैक्शन, एक दूसरे पास लगता हूँ तो अट्रैक्शन होती है. या कई बार रिपल्शन देखी है किसी ने दो मैग्नेट के बीच में? यस सर. हां तो रिपल्शन भी हो सकती है ना. मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है. किसी वजह से होती है? ऐसी जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, चार्जेस आपस में पास आते हैं दूर आते हैं, ये किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो रिपल्शन होती है. अच्छा मुझे ये बता सकते हैं? हाँ ये आप आगे करेंगे कोई बात नहीं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रही है उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स. अगेन ये इतना आसान नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उठाया मैग्नेटिक फील्ड उठाया दोनों की फोर्स है मिला दिया, वही पेन और पेपर हमारे हाथ में, हम कुछ भी लिख सकते हैं. लेकिन हाँ अभी के लिए इतना ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है उसको क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अभी आपको एक्सप्लेन होगा कि ये कहाँ कहाँ लगती है तो आपको और ज्यादा पता लगेगा. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती हैं, कैसे लगती हैं, ये हम आपको एग्जांपल से बता पाएंगे. ठीक है अभी मैं बता दूंगा तो सब मजा खत्म हो जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस चीज का. ठीक है? यस सर. तो इसलिए ये चार फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा मैं पूछ भी नहीं रहा आपसे स्ट्रॉन्ग और वीक, इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि कईयों को पता भी होगा इसका आंसर तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, है ना? तो अभी नहीं बोलेंगे इसको. तो चार फोर्सेस कौन सी हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी कोई दिक्कत? अभी ये तो हम क्वेश्चन बाद में ही उठाएंगे. अब आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, है ना? फटाफट इसको रीड करिए. आपके पास
तीन दो मिनट देता हूं मैं आपको, इसको फटाफट रीड करिए। हो जाए तो हैंड रेस कर दीजिएगा। अंशुल आपने अभी हैंड रेस किया, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? सर रही है, आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखी है ना? हाँ, अब एक बार पढ़िए इसको। सर ये बुक में कुछ अलग है। हाँ क्या कह रहे थे सर? जो यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिए हॉर्स की बुक में कुछ और, बिल्कुल अलग दिखेगी, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। हाँ बुक में क्या दे रखी है सर? जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10^25। 25 अभी देखते, अभी बात करेंगे उसके बारे में। यस सर। सॉरी मुझे माइक और कैमरा ऑफ करना पड़ा, कोई डिस्टरबेंस हो गई थी है ना, कोई आ गया था। हाँ तो बताइए। हाँ आप क्या कह रहे थे कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बुक में अलग दे रखी है, यही बोल रहे थे? यस सर। हाँ अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे बच्चे। ये कैसी स्ट्रेंथ है? ये नॉर्मल स्ट्रेंथ नहीं है, कैसी स्ट्रेंथ है देखिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ। और जो आपने पढ़ी है क्या वो भी यही है? यस सर। क्या लिखा हुआ उसके ऊपर? रिलेटिव स्ट्रेंथ। हाँ अभी देखते हैं। हाँ सो क्या बोल रहा था मैं इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अभी पहले मेरी बात सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच जो मास की वजह से फोर्स लगी, ये पढ़ा हमने। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होती है? दो मास की वजह से होती है। सॉरी मैं बार बार डिस्कनेक्ट कर देता था बीच में। I'm so sorry, आज थोड़ी disturbance ज़्यादा हो गई थी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? No sir, no sir, no sir, no sir। तो हम बात कर रहे थे gravitational force की और weak nuclear force की, electromagnetic force की और strong nuclear force की। बेटे आपके magnitude पे हम अभी आएंगे, ठीक है? लेकिन अभी जो समझना है वो समझने के ज़्यादा बात उसकी करेंगे हम। gravitational force, वीक न्यूक्लियर फोर्स, हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया। इसके बारे में और एक और फोर्स पढ़ा था हमने, ये वाला फोर्स पढ़ लिया था ना? यस सर। ये मास की वजह से होता था, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता था। लेकिन अब एक बात सुनिए, अब मैं जो भी बोल रहा था ना स्ट्रेंथ की बात, अभी मोटा मोटा बच्चे ये याद रखिए, मैं इसको कंफर्म भी करूं अगर आप बोल रहे हैं तो, मेरे हिसाब से तो यही होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अब ये रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में है वो नहीं पता आपको। देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की आपके डाटा में क्या दिखा रहा है? वन दिखा रहा है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की क्या दिखा रहा है? 10^-13 यही दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की क्या दिखा रहा है? 10^-2 माइनस टू आपके डाटा में, आपके डाटा में 36 प्लस
यस सर। अच्छा अभी दिखाएंगे आपको बच्चे, वो 36 हो नहीं सकती, 10^+36 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, वहां पर मिस स्पेल लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना बच्चे, वो कौन सी होती है, ये वाली न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या दिखा रहा है, 10^38 इसकी दिखा रहा होगा ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की 10^38 है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की 10^36। मुझे एक सेकंड, मुझे डाटा बताइए, आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितनी बता रहा है वो, 10^38 बिल्कुल। ईएम की क्या बता रहा है सर, 10^36 36, हाँ तो फिर वही बात होगी ना। वीक की क्या बता रहा है, 10^25 35, और ग्रेविटेशनल की क्या बता रहा है, 25 है 25, और ग्रेविटेशनल की 1 1। अब देखिए यहाँ पर 1 किसकी दिखा रहा है बच्चे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और आपके डाटा में स्ट्रॉन्ग 1 किसकी दिखा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इसीलिए दिखा रहा है, ऊपर लिखा भी रिलेटिव स्ट्रेंथ हुआ है राइट। जब भी हम रिलेटिव चीज पढ़ते हैं ना, वो किसी के रिस्पेक्ट में होती है, किसी के रिस्पेक्ट, जो आपका डाटा है ना वो किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में, जिसकी 1 दिखा रहा है ठीक है, इसको हमने रेफरेंस माना है। और जो मेरा डाटा जो हमने दिया है वो किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिस्पेक्ट में, इसीलिए उसकी वैल्यू ऐसे दिखा रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कि मेरे में ताकत ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 25 न्यूटन ठीक है, लेकिन मेरे को बताना पड़ेगा ना, क्या इससे सब कुछ क्लियर होता है, किससे ज्यादा है ये तो बताना पड़ेगा ना। मैं बोल रहा हूँ मेरे में ताकत किसी एक, ये बंदा कोई भी बंदा है, मान लो यहाँ पर कोई है भी नहीं, मान लो अनिल कोई बंदा हो, उससे मेरे में ज्यादा ताकत है कितनी, बोलो कितनी ज्यादा है, 25 न्यूटन ज्यादा है। तो अगर इसकी 1 न्यूटन फोर्स है तो मेरी कितनी होगी, 25 न्यूटन, 25 टाइम ज्यादा, 25 होगी ना। अगर मैं बोलूं मेरी जो ताकत है वो अनिल से 25 गुना है, तो अनिल की अगर 1 न्यूटन मानूंगा तभी मैं बोल सकता हूँ ना मेरी 25 गुना है। अगर अनिल की 2 न्यूटन मानूंगा मैं ताकत, मान लो हालांकि मैं ताकत को फोर्स में बांध रहा हूँ तो उसको मत समझना, तो अनिल को मैं बोल रहा हूँ कि 2 न्यूटन की ताकत है उसके अंदर, ये फोर्स लगा सकता है वो, तो मैं कितने की लगा पाऊंगा, 50 की। तो ये रेफरेंस का खेल होता है। अब यहाँ पर जो रेफरेंस माना, यहाँ पर जो हमारा अनिल है वो कौन है मेरे डाटा में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपके डाटा में जो अनिल है वो कौन है, समझ में आ रही है बात बच्चे, जिसने पूछा था, यस सर, इसीलिए डाटा अलग है, वो डाटा दोनों ठीक है आपके भी और मेरे भी, और हो सकता है किसी ने रिपीट करना। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, जो ये चीज होती है ना, ये रिलेटिव होती है, रिलेटिव रिलेटिव चीजों को आप पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे रिलेटिव स्पीड जब आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए समझो रिलेटिव होता है किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मैं बोल दू ये लाइन मेरी छोटी है या बड़ी है, बता पाओगे, बोलोगे ये लाइन छोटी है या बड़ी है, ये जो लाइन खींची है सबको दिख रही है, कैसे बोल दो छोटी है, किसी और को नहीं पता नहीं है मेरी लाइन तो। हाँ ये लाइन बताओ छोटी है या बड़ी है, इसको छोड़ दो कुछ भी नहीं है, ये लाइन छोटी है या बड़ी है, किसके रिस्पेक्ट में मतलब, वेरी गुड, ये तो नहीं पता ना किसके रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बोलूं तो ये लाइन छोटी है या बड़ी है, बड़ी 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 है, और इसके रिस्पेक्ट में बोलूं तो, इसके रिस्पेक्ट, अभी रुको ए क्या हो गया, इसके रिस्पेक्ट में बोलूं तो छोटी। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है, रिलेटिव, किसी के रिस्पेक्ट में। अभी ये जो मेरा डाटा है वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है सारा कुछ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, तो मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 बोल दिया, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग है इसलिए 1 बोल दिया इसको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इससे 10^-2 टाइम्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कितनी है, 10^-13। ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्g न्यूक्लियर से कितनी टाइम्स है, 10^-13। माइनस है इसका मतलब ये सारी इससे कम है राइट। आपके डाटा में 1 किसको मान रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी टाइम्स है, 10^25 25 टाइम्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी ज्यादा है, 10^36। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10^38। यहाँ पर सारे प्लस हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से सारे ज्यादा है राइट।
Yes, और यही होना चाहिए, ग्रेविटेशनल yes. फोर्स हमारी सबसे वीक फोर्स है, राइट? यस सर, यस सर, हम अभी पढ़ेंगे भी. तो आपको आपका क्लियर हुआ कि दोनों डाटा सेम है? यस सर, यस सर, यस सर, स्ट्रेंथ अलग है. ठीक है, अब हो सकता था कोई इसको वन मान लेता, तो मेरे सारे डाटा किसके रिस्पेक्ट में होते फिर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. कभी भी डरना नहीं है. देखो मैं, अब मैं भी बोल सकता था ना ऐसे, मेरे को भी टेंशन हो जाती कि भाई मैं बुक खोलने लग जाऊं और देखो भाई ये बच्चा कह रहा है कि -39 है, मैंने कुछ गलती कर दी है ना. तो हम चीजों को देखेंगे, हो सकता है कि गलत चीजें हो जाती इसमें भी, वो बात सही बोल रहा होता, लेकिन इसलिए मैंने उससे पूरा डाटा पूछा या नहीं पूछा. यस सर, है ना. आप लोगों को भी ऐसे यही सोचना है, अगर कुछ चीज आपके सामने गलती हो रही है, कोई भी है ना, कोई मैं नहीं हूँ, किसी भी, अब बुक्स में देखोगे है ना, आपके सामने कोई भी टीचर नहीं है, आप अपना दिमाग लगा के उस डाटा को देखना. ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. अगर ये क्वेश्चन ना पूछा तो हम रिलेटिव कंसेप्ट ही ना समझ पाते. अब कुछ समझ में आया रिलेटिव का कंसेप्ट क्या होता है? मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से, कोई बात नहीं, समझ में आ रही है? ग्रेट. तो अभी हम थोड़ा सा टाइम हो गया हमारा, अभी आप इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बुलाता हूँ. हाँ टाइम हुआ तो नहीं, अभी 10 मिनट पड़े हैं, पर कोई बात नहीं. मैं यहाँ से लेफ्ट कर रहा हूँ फोन से, तो मैं अभी चैट नहीं देख पाऊंगा. आप लोग मुझे बताइए आपको यहाँ तक किसी भी चीज में कोई दिक्कत है? सन न्यूट्रिनो क्या? क्या दोबारा बोलिए? सन न्यूट्रिनो. न्यूट्रिनो बच्चे, न्यूट्रिनो का अलग से हाइपोथेसिस आएगा आप लोगों को. न्यूट्रिनो की डिस्कवरी हुई थी एक, है ना, आपने पढ़ा होगा शायद, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे आप लोग. ये न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी डिस्कवरी हुई थी हम ना, ये ऐसा पार्टिकल है जो हम कहाँ पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी में. यस सर. रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे वर्ल्ड में एलिमेंट्स हैं जो डिके करते रहते हैं, मतलब जो खत्म हो जा रहे हैं ऐसे, मतलब रेडिएशन छोड़े जा रहे हैं. क्या छोड़े जा रहे हैं? रेडिएशन. उसके अंदर हम न्यूट्रिनो पढ़ते हैं और एंटी न्यूट्रिनो पढ़ते हैं. ठीक है, अभी के लिए आप समझ लो कि ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है. एटम से भी छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल. जैसे बोलते हैं हम टॉपिक और सब टॉपिक. एक तो टॉपिक ग्रेविटेशनल, उसके अंदर भी क्या पढ़ रहे हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो, तो उसको बोलते हैं सब टॉपिक. ऐसी एक तो बात होती है एटॉमिक लेवल की, एक होती है सब एटॉमिक लेवल. सब एटॉमिक लेवल. तो अभी के लिए बात कर लो कि न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है. ठीक है, क्लियर? यस सर. हाँ, तो अभी के लिए अगर मैं आगे चला दूंगा तो हम कल तक सब भूल जाएंगे, इसलिए मैं आगे नहीं करा रहा. लेकिन अभी ये इतना समझो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं इसलिए टेबल देखी है ना, इस टेबल को आसानी से देखो. अभी मेरी वाली टेबल देखना, उसकी वाली टेबल छोड़ देना, क्योंकि आगे कल हम यही वाली टेबल पढ़ेंगे. पढ़ उसकी वाले भी सकते हो, बिल्कुल ठीक है, वो भी आप नोट चाहे दोनों कर लो, लेकिन अभी देखना ये, क्योंकि कल तक ये वाली टेबल मेरे पास रहेगी नहीं स्क्रीन पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. यस सर. आप एक बार टेबल को अच्छे से देखो, माइनस साइन कैसा है, वन है, और उसकी रेंज देखो, सब कुछ देखो. कल हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं. रेंज तो सेम है और ऑपरेट सेम है, क्योंकि वो रिलेटिव रेंज नहीं लिखा हुआ उन्होंने. क्या ऐसा लिखा हुआ है रिलेटिव रेंज? नो सर. नो सर. रेंज तो सेम ही रहेगी, अगर रिलेटिव रेंज लिखा होता तो वो भी अलग होती. यस सर. सोचिए सोचिए सोचिए, देखते रहिए इसको. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में जाते वक्त, जब हो जाए सबका तो मुझे माइक ऑन करके बताइए कि हाँ सब कुछ पढ़ दिया इस टेबल में. 2 मिनट है आपके पास. मैं इसलिए यहाँ पर दूसरी वो भी ज्वाइन कर लेता हूँ, लास्ट वाले बच्चे वेट कर रहे होंगे. सोचिए, मैं जाते जाते एक क्वेश्चन लीव करूंगा आपके लिए, अभी अच्छे से पढ़ना है इसको. वाओ, मेरा फोन भी हैंग हो गया. तो आपका बैच JE 6 का बैच है, राइट? 6, यस सर. यस
सर आपने में कुछ कल देना था, आपने दिया नहीं ग्रुप में। मैंने भेजा नहीं आपको असाइनमेंट? नो सर। नो सर। आपके ग्रुप में असाइनमेंट नहीं आया? नो सर। नो सर। नो सर। मैंने बना लिया है, मैंने असाइनमेंट बना लिया है और नोट्स तो आए होंगे। नोट्स तो आई थिंक भेजे हैं सभी ग्रुप में मैंने। चलो मैं चेक करूंगा सर, आज नहीं भेजी। ठीक है, मैं दोनों चीजें भेज दूंगा आज आपके पास, वो सब बना पड़ा है, सिर्फ मैंने सेंड पे क्लिक करना। आई थिंक मैंने दूसरे ग्रुप पे भेज रखा है, वो आप में नहीं भेजा होगा, है ना? कोई बात नहीं, आज आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है, फर्स्ट असाइनमेंट जो आपने आज अभी तक का सिलेबस पढ़ लिया उसमें ये वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन फंडामेंटल फोर्सेज, इससे पहले वाले सारे फोर्सेज। ठीक है, तो आज के लिए काफी है इतना। किसी का कोई क्वेश्चन? सब ऑडिबल? सबको ऑडिबल हूँ मैं? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नो सर। क्वेश्चन मेरा है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में स्ट्रॉन्ग कौन सी है? सबसे ज्यादा कौन है, स्ट्रॉन्ग या वीक? ये दो क्वेश्चन, एक तो वीक और स्ट्रॉन्ग में रेंज किसकी ज्यादा है और स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, कल पूछेंगे लेकिन। ठीक है, यस सर। आज के लिए इतना ही, आप लीव कर सकते हैं जिसने लीव करना। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। अब मेरी दूसरी बैच ही है।